हेलो एवरीवन, दोस्तों आज हम आप लोगों को बताऊंगा कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। दोस्तों लोग बिजनेस तो बहुत करते हैं लेकिन उसमें उनको उतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है, और कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी अपने बिजनेस में ग्रो कर लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें उनको जल्दी सक्सेस मिल जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जल्दी से सक्सेस नहीं मिलता है। दोस्तों जब बात आती है बिजनेस का ना, बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे कोई कोई लड़के होते हैं कि किसी लड़के को फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनको जब वो बुक मैथ का लेकर बैठते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनको ये पता ही नहीं चलता है कि हम कब बैठे हैं और कितना जल्दी 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा हो गया। कोई फिजिक्स लेकर बैठता है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कब हम 8 घंटा हो गया हमको पढ़ते पढ़ते। और कितने लोग होते हैं कि अगर उनको जैसे कोई बंदा है उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट है मैथ में नहीं है, तो अगर मैथ लेकर बैठता है तो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है तो 10 ही मिनट पढ़ता है ना तो बोर हो जाए, मालूम पड़ता है कि 2-3 घंटे से लेकर बैठे। इसी प्रकार बिजनेस में भी होता है, जब आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका फ्रेंड कर रहा है वही आप करें। मान लीजिए किसी को आपके फ्रेंड को कोई इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए उसको कोई चीज़ बेचने में अच्छा महसूस होता है कि नहीं हम, जैसे मान लीजिए शुरू से ही होता है, कुछ लड़के होते हैं कि उसे उनको टेक्निकल में इंटरेस्ट होता है, मोबाइल के फंक्शन में इंटरेस्ट होता है। आजकल तो यूट्यूब पर मान लीजिए वीडियो ही बनाने की बात आती है, तो जो वही बंदा ग्रो करेगा वही बंदे का चैनल जल्दी से मोनेटाइज होगा, जिनके अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं हमको ये करना है। जैसे मान लीजिए जब आप कोई भी चीज़ करते हैं ना तो उस काम को इस प्रकार से करिए, जैसे आप कोई काम करना है, कोई काम तो ज़रूर ऐसा होगा कि आप उसे बिना खाए पिए कर सकते हैं, तो वो इंटरेस्ट वाली बात हो गई। तो वही मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर के टैलेंट को इसी प्रकार पहचानें। मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बनाने वाला है तो उसे गाड़ी बनाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। जैसे नहीं होता है कि जब कोई आदमी कुछ काम करता है तो कुछ लड़के होते हैं रुक कर देखने लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जानने की इच्छुक होते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ खोल रहे हैं, तो वो देखते हैं कि क्या खोल रहे हैं ये, अब इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। एक प्रकार की ऐसे ही होता है, जब एक समय की बात है, एक साधु थे और एक लकड़ाहारा था, तो जब लकड़ाहारा डेली लकड़ी काट कर ले जा रहा था और साधु पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान कर रहे थे, तो लकड़ाहारा का डेली यही था कि लकड़ी ले आता था, बाजार में बेचता था और उससे जो पैसा होता था उसे अपना पेट अपना भोजन बनाकर खाता था, उससे उसी से अपना गुजारा करता था। तो एक दिन साधु ने बोला कि आप लकड़ी यहाँ से क्यों थोड़ा और आगे जाइए तो वहाँ आपको चंदन का लकड़ी मिलेगा, आप एक दिन काटेंगे अपना उसका पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप एक दिन काटेंगे तो आराम से 7 दिन तक खाएंगे। तो उस लकड़हारे ने नीचे गया और चंदन का लकड़ी काटा, ले जाकर बाजार में बेचा, अच्छा पैसा मिला उसे। तो वो जो साधु ने बोले थे कि एक दिन जाओगे एक हफ्ता आराम से गुजर जाएगा तुम्हारा, तो ऐसा होगा। फिर एक हफ्ते बाद आया तो डेली उसका प्रोसेस अब लकड़ी न काट कर चंदन का लकड़ी काटने लगा। तो धीरे धीरे करते करते 1-2 महीना हो गया, फिर साधु ने उसे बोला कि आगे जाओ, अगर थोड़ा नहीं नहीं साधु ने बोला
कि अभी तक तुम चंदन के लकड़ी पर टिके आगे नहीं गए। उसने बोला कि नहीं, हमारा पहले से अच्छा है, हमको एक ही दिन आना पड़ता है हफ्ते में। तो साधु ने कहे कि आगे जाओ, चांदी का खदान मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है। अब जब साधु ने बोले कि नहीं चंदन मिला तो चंदन मिल गया, अब सोना बोलना है चांदी बोलना है तो चांदी। उन्होंने बोला वहाँ पे जाओगे, एक हफ्ता एक दिन आ रहे हो, वहाँ जाओगे तो एक महीने में एक दिन आना पड़ेगा। तो फिर साधु के कहने के मुताबिक उन्होंने चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद चांदी अपना लाए, वहाँ से फिर बाजार में सेल करके अच्छा पैसा मिला। तो फिर यही प्रोसेस चलने लगा एक साल दो साल। फिर साधु उनसे पूछे कि अभी यहीं पर हो, आगे नहीं गए? उन्होंने बोला नहीं, उनको एक महीना में एक ही दिन जाना पड़ता है, इससे अच्छा क्या है। तो फिर साधु ने कहा कि उसके आगे सोना मिलेगा। फिर वो सोना लेने चला गया। फिर उसके आगे बोला कि आपको कुछ दिन बाद आगे जाओगे तो हीरा मिलेगा। तो वो दिमाग भी ऐसा ही काम करता है कि जब आप जितना अंदर तक उसके डीपली जाना चाहते हैं, जितना अंदर तक जाएंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। तो अब हीरे के बाद तो वो लड़का, ये वो आदमी लकड़हारा ये नहीं समझ पाया कि साधु बैठे हैं यहाँ पे तो क्यों यहाँ पे बैठे हैं। वो इसलिए बैठे थे कि सब कुछ छोड़कर वो वहाँ पर बैठे थे, क्योंकि ध्यान से बढ़कर कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है। तो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब अपना 100% किसी काम में आप दे सकते हैं, उसी को आप अपना बिजनेस बना लीजिए। जैसे किसी को मैच खेलने में इंटरेस्ट है तो अपना मैच खेलिए, मैच खेल के कौन नहीं पैसा कमा। मेन चीज बिजनेस में क्या है, पैसा ही कमाना। लोग बात नहीं करना चाहते कि हम पैसा कमाएं, हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता है इस बात पर, इस टॉपिक पर। लेकिन लोग अपने लड़के को ये कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर अच्छी नौकरी करेगा। कभी कोई भी माता पिता नहीं कहता है कि मेरा लड़का बड़ा होकर नौकरी करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा और उसमें उसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, नौकरी खोजेगा, इंटरव्यू देगा, उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद उसे 4 लाख का काम कराया जाएगा, 10-20 हज़ार रुपये, 20,000-30,000, मान लीजिए 50,000 चाहे 1 लाख रुपये सैलरी मिलेगा। तो किसी के माता पिता ये नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी दिमाग में उनके माता पिता ने भरे रहते हैं। इसीलिए तो यही वीडियो था दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और कमेंट में आप हमें कुछ लिख सके, या किस टॉपिक पर अगला वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।